नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति तीसरे इंजन की हो रही तैयारी। 2022 नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने रणनीति बना ली है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। कहा जा रहा है कि यदि नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज होती है तो स्थानीय स्तर पर भी मजबूती मिलेगी। यदि इसे तीसरा इंजन कहें तो गलत नहीं होगा। भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी वार्डों में जीत दर्ज कर विकास का तीसरा इंजन जोड़ने में जुट जाएं। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा की ओर से प्रयागराज में वार्ड स्तर पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी वार्डों में न्यूनतम 5 बैठक करने का लक्ष्य संगठन ने रखा है। वार्ड नंबर 21 यानी प्रयागराज शहर के नया पुरवा में भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने केंद्र और प्रदेश की तरफ से चलने वाली योजनाओं की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है वे आवेदन कर सकते हैं। संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हर संभव मदद करेंगे। सरकार की ओर से अब तक किए गए कार्यों की जानकारी भी दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर पत्रक बांटने का निर्देश दिया गया है। पत्रक में सरकार के कार्य बताए गए हैं। अलग अलग वर्ग के लिए चलने वाली योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करें, उनका लाभ कैसे लें, इस संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों से मिलकर उनका सहयोग भी करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद भोला तिवारी, सुशीला देवी, राजेश केसरवारी, अरुण सिंह व वार्ड के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जो नाम कट गए हैं उन्हें दोबारा मतदाता सूची में जुड़वाएंगे। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश गुप्ता ने बताया कि सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनके क्षेत्र में घरों की संख्या आवंटित कर जनसंपर्क करने का निर्देश दिया गया है। जो नाम मतदाता सूची से कट गए हैं उन्हें जोड़ने, यदि कोई गलती है तो उसे ठीक कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। सामाजिक समीकरणों की भी चर्चा की जाएगी। जिनके नाम ठीक कराए जा रहे हैं या सूची में शामिल हो रहे हैं उनके मोबाइल नंबर भी कार्यकर्ता एकत्र करेंगे। मतदाताओं को बूथ और भाग संख्या बताने की भी जिम्मेदारी दी जा रही है।